फटाफट में देखिए 3 मिनट में 10 खबरें। हेमंत सोरेन ने कल तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। 8 जुलाई को विधानसभा में हासिल करेंगे विश्वास मत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में जयप्रभा मेदांता अस्पताल जाकर जदयू के वरिष्ठ नेता और हरनौत के विधायक हरि नारायण सिंह का हाल जाना। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि भारत नेपाल सीमा पर बनने वाले डैम निर्माण के लिए केंद्र सरकार की टीम अध्ययन कर रही है। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार अच्छा काम कर रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति भी है संतोषजनक। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। शिवहर के तरियानी प्रखंड के अंतर्गत छतौनी प्रखंड के वार्ड नंबर 4 में रेगुलेटर के रिसाव से घरेलू सिलेंडर में लगी आग, फायरमैन की सहायता से आग पर पाया गया काबू। बिहार में सिपाही बहाली की रुकी हुई प्रक्रिया 7 अगस्त से फिर से शुरू होने जा रही है, इस बार नहीं होंगे होम सेंटर। चंपारण प्रक्षेत्र के डीआईजी जयंत कांत एक दिवसीय दौरे पर चंपारण पहुंचे, नगर थाने का निरीक्षण कर उन्होंने दिया कई दिशा निर्देश। मुंगेर के सफियाबाद थाना क्षेत्र के NH-80 के पास 50 वर्ष से अधिक पुराना 2 मंजिला मकान बारिश के कारण मुख्य सड़क पर गिरा। T20 में विश्व विजेता बनकर भारत लौटी टीम इंडिया का मुंबई में गर्मजोशी से स्वागत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में की खिलाड़ियों से मुलाकात। और अब अंत में एक नजर मुख्य